छोड़ो मारे गए अभी 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 कुकी मारो कहाँ है मेरी बंदूक कहाँ है मेरी बंदूक कहाँ है क्या मेरी बंदूक अंकल वाट द बैग आई टेल उसने होगी अरे तुमको पता नहीं कि कैसे रोटी खाए थे भैया हाय अरे भाई चक्कर चलाना कि आप तो आज पड़ोस में देखे थे नाम तक जाने की क्या जरूरत वेरी इम्प्रॉम्प्टू बहुत ही नेचुरल एक्टिंग कुछ नहीं बस परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे लेवल के लव बिंदु अनएक्सपेक्टेडली आई नो ऑफकोर्स इज वेरी ऑसम पहली बार आई सॉ हिम इन द लाइव अपने पूरे फुल फॉर्म में पहली बार देखा मैंने आई लव इट थैंक यू सर क्या कहना चाहिए भैया बहुत बढ़िया शाम रही बहुत मज़ा आया बहुत हंसी आई और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि ऐसे टाइम पे ये हंसा रहे हैं लोगों को क्योंकि हंसाना मुश्किल काम है रुलाना आसान है बहुत मज़ा आया ऑल द बेस्ट अगर आधा घंटे की बात करें क्या कहना चाहेंगे सॉरी तीन घंटे की फिल्म होती है आधा घंटे का शूट क्या कहेंगे भैया मैं तो खुद थिएटर वाला हूँ तो मैं तो फिल्म के बारे में बात नहीं करता मैं तो खुद थिएटर कर रहा हूँ पिछले 40 साल से तो मैं तो आदमी थिएटर वाला हूँ जो मज़ा थिएटर में आता है वो फिल्म में नहीं आता बहुत अच्छे सब एक्टर बहुत अच्छे एक बिंदु नहीं सारे के सारे हर आदमी ने बहुत अच्छा काम किया बहुत मज़ा आया वेरी गुड भैया शुरू से लेकर एंड तक हंसी हमारी रुकी ही नहीं एंड इट इज़ फैंटास्टिक सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और कुछ कुछ जो वो सब जो चीज़ें थी वो मैंने पहली बार देखी हैं इट इज़ फैंटास्टिक आई जस्ट लव इट बिंदु को मैं एक्चुअली बचपन से जानता हूँ और आज उसको मैंने पहली बार एक्चुअली मंच पे देखा है एंड इट वाज अ ह्यूज सरप्राइज एंड इट वाज सो वंडरफुल टू सी माय ओल्ड फ्रेंड परफॉर्मिंग सो ब्रिलियंटली एंड सो ब्यूटीफुल बिंदु ने फर्स्ट टाइम जो प्रोड्यूस किया तो आगे क्या विशेष देना चाहिए आगे क्या क्या विशेष देना चाहिए भाई एज आई सेड मेरा बचपन का दोस्त है और हमेशा मेरी गुड विशेज के साथ रहेंगी एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि उसने ये प्ले प्रोड्यूस किया और आगे भी बहुत बड़े बड़े प्ले प्रोड्यूस करेगा फिल्में करेगा बहुत कुछ करेगा okay, एक सोशल फॉलो वाला क्वेश्चन है तो और इंडिया में ये चीज़ आजकल अभी भी कुछ जगह पर टैबू मानी जाती है तो आप क्या कहना चाहेंगे आई थिंक इस ये जैसे आप अभी इसका प्रचार कर रहे हैं ऐसा प्रचार बहुत ज़रूरी है जो शर्म है थोड़ी सी जो होती है वो निकल जानी चाहिए घरों में बात होनी चाहिए इस चीज़ की और ये जैसे ही प्रचार होते जाएगा गवर्नमेंट कर रही है हम फिल्म इंडस्ट्री अपनी तरीके से कर रही है तो ये जिस तरह आप अभी प्रेस कर रही है सो आई थिंक ये ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें टैबू नहीं रहेंगी एक टाइम आएगा तो ये धीरे एक प्रोसेस है जो आई थिंक कुछ सालों में पूरा हो जाएगा बहुत ही काबिल तारीफ परफॉर्मेंस थी बिंदु की तो बहुत ही एनर्जी से भरपूर और मेरी जो लाफ्टर है वो गूंज रही थी पूरे थिएटर में मुझे धक्का दे रहे हो आप
एंड बहुत ही फनी शो है. बहुत कम ऐसे कॉमेडीज दिखती हैं थिएटर में जाकर जो लाइव ऑडियंस के सामने जो कॉमेडी और अच्छी टाइमिंग के साथ कॉमेडी कर पाते हैं, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया. इट वॉज लवली. कॉमेडी करना कितना मुश्किल है? सबसे मुश्किल तो आई थिंक इन ऑल आर्ट इज कॉमेडी. मोस्टली आई थिंक कॉमेडी इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. जिसको आती है उसके लिए आसान होता है, लेकिन जिसको मतलब अगर आप कोशिश करें कॉमेडी करने की और आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है तो बहुत मुश्किल है. जॉब प्रोड्यूसर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थिएटर में जो प्ले होते हैं. एंड विंदू हैज़ डन, ही इज़ प्रोड्यूस्ड इट एंड ही इज़ एक्टेड इन इट. आई थिंक बहुत बहुत वंडरफुल जॉब इज डन. इट्स टू फनी. एक स्पेशल पार्ट वाला क्वेश्चन होगा. 20th ऑफ मे को मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे है और इंडिया में आजकल भी कुछ जगह पर इस चीज़ को टैबू माना जाता है, तो आपका क्या विचार है इस चीज़ का? यानी कि पैडमैन के बाद जो पैडमैन भी है, एक मूवी निकाली है प्रचार करने के लिए चीज़ का, तो आप क्या कहना चाहती है? मैं कुछ एक दो हफ्ते पहले अक्षय कुमार के साथ शूटिंग कर रही थी एक एड फिल्म के लिए, तो मैंने उनको ये बोला कि आपने एक ऐसा दरवाज़ा खोला है हमारे देश में जो एक सब्जेक्ट इतना टैबू था सर्विस की है. ये सोशल कॉज जो उन्होंने शुरू किया है, इट हैज़ जो टैबू सब्जेक्ट था अब एक्चुअली लोगों की ज़बान पर आ रहा है और आज मीडिया वाले ये सवाल पूछ रहे हैं, वरना मीडिया वाले भी सवाल नहीं पूछते. सो हैट्स ऑफ टू अक्षय एंड ट्विंकल फॉर ओपनिंग दिस सब्जेक्ट. एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे टैबू नहीं माना जाना चाहिए. वेल आई कैन ओनली से दैट इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पर इतनी तादाद में जहाँ पर औरतें हैं, महिलाएं हैं, तो उनको ये रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि उनके जो शारीरिक जो भी इश्यूज़ हैं उनको नज़रअंदाज ना करते हुए उन पर हमें अगर ऐसा एक नेशनल डे है, वर्ल्ड डे है, राइट, वर्ल्ड डे, सो आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट वी शुड ऑल रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट वुमेन बिकॉज दे गिव अस लाइफ. भाई मज़ा आ गया. ये हमारा सेकंड शो है और अब मेरा ख्याल है रफ्तार पकड़ ली है इस प्ले ने, और आज जो रिस्पांस मिला है उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है. दोनों बार हाउसफुल गए हैं और आगे हम कमानी थिएटर दिल्ली में अब दो शो एक साथ कर रहे हैं और उसकी भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है. एडवांस में टिकटें बिक रही हैं. बिंदु दारा सिंह प्रोड्यूसर हमारे, एक्टर, बहुत मेहनती हैं, एनर्जेटिक हैं, अब्बास भाई, सब लोग मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, और मुझे लगता है कि अब ये शो लंबा चलेगा. कितना गोलमाल है इसमें सर, एक बताना चाहिए? अरे माई गॉड, ख़त्म ही नहीं होता. एक बार शुरू होता है तो फिर मतलब एक के बाद एक चीज़ें उलझती चली जाती हैं और सब करेक्टर वेल डिफाइंड है और ह्यूमर बहुत प्योर है. फैमिली के साथ देख सकते हैं. फोटो ले लो. और ये बोल रहा है आज आज हस्बैंड के पास आ जा मेरी बीवी. गेट एवरीवन. क्या चल? Who else? Sorry. Done. Okay, everybody look at this please. आप थोड़ा ना बीच में आइए तो सब लोग मिल जाएंगे. हाँ. संजय एक सेकंड. संजय जाए. आ गया. तुझे तू मत लगो. हाँ. वीडियो भी साथ साथ है सर. अच्छा आन दो. आन दो. आ जा. हाँ. सर कितना गोलमाल है? बहुत गोलमाल है. हाँ मज़ा आ गया. बहुत खुशी होती है जब एक चीज़ आप मेहनत करो और वो रंग दिखाए तो बहुत ब्यूटीफुल फ्लाइंग कलर्स आए, तो मुझे बहुत खुशी है. जॉनी भाई जैसे लोगों को पसंद आया, सोनू सबको पसंद आया, ये देखो सबको बहुत पसंद आया, तो आई एम हैप्पी. ये शो पुरी साहब जो आपके पापा के साथ काफ़ी काम किया है, उनके साथ किस्मत वाले हैं जो साथ में काम कर रहे हैं, कैसे एक्सपीरियंस? देखो पुरी साहब की बात अलग है, वो बहुत ही डेडिकेटेड और कमाल के एक्टर हैं और मतलब वो हमारे प्ले में हमारे लिए चार चांद वो लगाते हैं. जब वो आते हैं तो एक अलग ही ब्यूटीफुल एनर्जी आती है एंड इतने पॉजिटिव आदमी हैं, तो हमें बहुत खुशी है. क्या कहना चाहेंगे बिंदु जी के साथ? अरे मैं सर से, इन्होंने पंजाब का एक शो था, हम लोग, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, तो मेरे को सर ने जज किया और आज इनके साथ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वही बड़ी बात है. तो इससे ज़्यादा तो मैं हमेशा शो में नियरली जीत गए थे, एकदम फाइनल तक पहुँचे थे और बहुत ही बढ़िया. मेरा नाम लखबीर लहरी है. हाँ, और हाँ डायरेक्ट भी हमने किया और लिखा भी है. और ये कॉमेडी में बहुत बड़े बड़े शो लिखते हैं, बच्चों के शो, अलग अलग जो आप कॉमेडी छोटे मोटे सर्कस वगैरह सारे में लिखता हूँ वैसे. और अब ये मेरे साथ एक्टिंग ही करेगा, ज़्यादा लिखेगा नहीं. चलो ठीक है. बहुत बहुत ज़्यादा मजा आया सर के साथ. तो पहली बार बाजी के साथ तो मैं मेरे पास यही है कि इन्होंने मेरे को जज किया और आज मैं इनके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ी बात है.
कितना मुश्किल होता है कॉमेडी करना बिंदु जी? हमारे लिए मुश्किल है, इन लोगों के लिए बहुत ही है। पता नहीं कब से ये एक रात में प्रैक्टिस करते हैं और दो दिन बाद वो परफॉर्म करते हैं, तो मुझे पता था ये हमेशा बहुत बढ़िया करेंगे और ये शो मुझे लगता है रॉकिंग हुआ। आ जा ये देखो आकाश भाई हमारे बारे में अच्छा लगा। जब ऑडियंस का रिस्पांस अच्छा होता है ना तो फिर हम लोग को स्टेज पे लगता है और बेटर करो और बेटर करो। स्टार्टिंग से लगा कि पब्लिक वाज लाफिंग एंजॉयिंग, सो ऑल द एक्टर्स गॉट एनकरेजमेंट, तो 100% उससे ना एक दो लेवल ऊपर चला जाता है सबकी परफॉर्मेंस। ऐसा होता तो सिनेमा हॉल बंद हो जाएगा लगता है। नहीं ये बहुत महंगा है मामला, लेकिन 2 जून कमानी हाउसफुल्स टू बैक टू बैक बैक टू बैक शोज दो बार करना है भाई ये, अब हर हफ्ते कहीं ना कहीं शो ही है बस। अब गॉड ब्लेस प्ले गोलमाल, इट्स हिलेरियस, बहुत मजा आया। और एक थके हुए दिन के बाद जब यहाँ आकर हम प्ले देखते हैं तो इतनी हंसी आई कि सारी थकान दूर हो गई। सो कीप एंजॉयिंग एंड डू वॉच गोलमाल। बहुत सारा गोलमाल है, बहुत सारी मस्ती है, बहुत सारा धमाल है। हम सब एक्टर्स आपस में बहुत हमारी ट्यूनिंग है, हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। आधे टाइम तो हम खुद एक्ट करते करते हंस पड़ते हैं। सो इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ फन। मुश्किल होता है हंसाना अगर बात करें, हंसने की अगर बात करें? बहुत मुश्किल होता है बिकॉज सबका सेंस ऑफ ह्यूमर अलग होता है, तो हर शो जब हम करते हैं हमको पता नहीं कि हमारा लाफ्टर कहाँ आने वाला है। सम प्लेसेस हमको एंटिसिपेट होता है कि डेफिनेटली यहाँ लाफ्टर आएगा, बट सम नए नए हर शो में हमको डिस्कवर होता है कि कोई नई चीज़ लोगों को अच्छी लगी। सो दैट्स फन ऑफ डूइंग लाइव एक्टिंग। कमर्शियल वे में अगर बात करें क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम इतने प्लेटफॉर्म है, फिल्म है, टीवी है, प्ले है, अभी एक नया स्टार्ट हो गया है, सीरीज शुरू हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए एंटरटेनमेंट किसी भी फॉर्म क्या कहना चाहेंगे कमर्शियली अगर बात करें? कमर्शियली देखिए एंटरटेनमेंट इज़ द मेन थिंग हमारे कंट्री में या कोई भी कंट्री में। एंटरटेनमेंट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ एनीबडीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। और जब आदमी काम से थका हुआ आता है तो एक कमर्शियल मज़ेदार कोई चीज़ देखने मिले, वेदर इट इज़ सिनेमा, वेदर इट इज़ टीवी, वेदर इट इज़ लाइव, आई थिंक लोग बहुत पसंद करते हैं हंसना हंसाना इन्जॉय करना। बिंदु जी ने फर्स्ट टाइम कुछ प्रोड्यूस किया और वो भी प्ले किया है, तो क्या कहना चाहिए आप? तो ये बिंदु और मेरा सेकंड प्ले एज एक्टर्स टुगेदर है एंड फर्स्ट टाइम ही इज़ अ प्रोड्यूसर एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स जिसके साथ मैंने काम किया है। बहुत दिलेर हैं, हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, दिल खोल के काम करते हैं और करवाते हैं, मतलब इतना कमिटेड प्रोड्यूसर तो मैंने और कोई देखा नहीं। ओके एक सोशल के लिए क्वेश्चन होगा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे आने वाला 20th मई को, एक मूवी बनी है पैडमैन, तो आप क्या एक मैसेज देना चाहिए इंडिया की महिलाओं के लिए? कि इसमें कोई शर्म की बात है नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है एंड वी शुड नॉट हाइड एंड वी शुड नॉट कंसिडर इट डर्टी एंड पुराने ख्याल बदलो और नए दौर के साथ चलो, नई जनरेशन को बताओ कि ये एक नॉर्मल औरत होने की निशानी है, इसमें कुछ भी ख़राब नहीं है।